अगला आर्डर है आपका आर्डर कोलियोप्टेरा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्डर है, ठीक है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, कोलियो प्लस पेट्रॉन। कोलियो मीन्स होता है सीथ, सीथ मीन्स ढकना, पेट्रॉन्स मीन्स विंग, अर्थात पंखों की अगली जोड़ी जब विश्रामावस्था में रहती है तो ये पिछली जोड़ी पंखों को ढके रहते हैं, ठीक है। अगली जोड़ी जो पंख जो है ये मोटे होते हैं और कठोर होते हैं, इसलिए इनको इलाइट्रा कहते हैं, जबकि पिछली जोड़ी पंख जो है पारदर्शी और झिल्लीदार होते हैं, ठीक है। यह कीटों का सबसे बड़ा आर्डर है, जिसमें लगभग 40% कीट आते हैं। जो है नंबर दो, कीट छोटे से मध्यम आकार के होते हैं, सिर अधोन्मुखी हाइपोगाइंथस अथवा प्रोगाइंथस अग्रोन्मुखी होता है, चपटा होता है, बेलनाकार तथा आगे की ओर नोकीला रहता है, संयुक्त तो कंपाउंड आई बड़ी होती हैं और गोलाकार होती हैं, और इन कीटों में उपनेत्र जो है अनुपस्थित होते हैं। टारसाई या टारसस 1 से 5 खंडी होता है, ठीक है। इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, अर्थात एक लार्वा प्यूपा एडल्ट, ठीक है। इसके इसके इस आर्डर कोलियोप्टेरा के आर्डर के लार्वा को ग्रब कहते हैं। ग्रब के उदरीय टांगे एब्डोमिनल लेग्स नहीं पाई जाती हैं। इसके लार्वा कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि मेटामॉर्फोसिस में पढ़ाया गया है, कंपोडी फार, कैराबॉयल फार्म और इरूसी फार्म, ठीक है। इस आर्डर को 3 सब आर्डर्स में विभाजित किया गया है, जो है एडिफेगा, एर्चोस्टीमेटा और पॉलीफेगा, जिसमें एडिफेगा और एर्चोस्टीमेटा में कोई एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से फैमिली नहीं है, सिर्फ पॉलीफेगा सब आर्डर में जो फैमिली है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहली फैमिली है बॉस्ट्रिचिडेई, इसमें लेसर ग्रेन बोर आता है। दूसरी फैमिली है ब्रूचिडेई अथवा लैरिडेई, इसमें जो पल्स बीटल आता है, जिसको दालों का घुन कहते हैं। तीसरी फैमिली है क्राइसोमिलिडेई, ये रेड पंपिंग बीटल इसमें आता है। सिर्फ ये क्राइसोमिलेडी जो है, जो रेड पंपकिन बीटल है, ये जो कद्दू वर्गीय फसलें हैं उनमें मुख्य रूप से लगता है, ठीक है। अगली फैमिली है कुरकुलिनोडेई, जो है इसमें राइस सुरसुरी आता है। अगली फैमिली है डर्मिस्टिडेई, इसमें खपरा बीटल आता है, ठीक है। अगली फैमिली है टीनी ब्रायोनिडेई, इसमें रेड रस्ट फ्लोर बीटल आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आर्डर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसकी फैमिली सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला आर्डर है आर्डर लेपिडोप्टेरा, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, लेपिडोज प्लस पेट्रॉन। लेपिडोज मीन्स होता है स्केल्स, पेट्रॉन्स मीन्स विंग। सल्क युक्त पंख वाले कीट, अर्थात परतदार पंख वाले कीट, ठीक है। इसमें मॉथ और बटरफ्लाई आता है, ठीक है। दो इंसेक्ट आते हैं इसमें, मॉथ और बटरफ्लाई। मॉथ बटरफ्लाई में अंतर क्या है? बटरफ्लाई जो है ये चमकदार तथा चटकीले भटकीले रंगों की होती हैं, ठीक है। जबकि मॉथ जो है पीता भी श्वेत रंग के होते हैं। बटरफ्लाई नंबर दो, बटरफ्लाई जो है ये दिनचर होती हैं और मॉथ जो है रातचर होते हैं। बटरफ्लाई में जो एंटनी होती हैं वो गदाकार
प्रकार की पाई जाती हैं और माथ में फिलीफार धागाकार अथवा पेक्टिनेट कंघाकार प्रकार की पाई जाती हैं। बटरफ्लाई में उपनेत्र अब्सेंट होते हैं और माथ में दो होते हैं, उसली दो होती है। अगला, बटरफ्लाई जब बैठती है तो उसके पंख जो है सीधे खड़े रहते हैं, वर्टिकल खड़े रहते हैं, और जब मॉथ जब बैठता है तो उसके पंख जो है हॉरिजेंटल या क्षैतिज रहते हैं। इस तरह से ये चार पांच अंतर हैं जो मुख्य रूप से मॉथ और बटरफ्लाई। ठीक है, अब आइए आर्डर लेपिडोप्टेरा के मुख्य कैरेक्टर मुख्य कौन है। पहला है कीट छोटे से बड़े आकार के, शरीर लंबा होता है, बेलनाकार कोमल तथा स्केल्स यानी सलकों से ढका रहता है। ठीक है, इन नंबर दो, इनका रंग भद्दे से चमकीला लाल पीला सुनहरा भूरा काला होता है। ठीक है, सिर हाइपोगाइंथस जो कि गर्दन द्वारा वक्ष से जुड़ा रहता है। कंपाउंड आई बड़ी और ओसली दो होती हैं। एंटनी जो है कंघाकार, द्विकंघाकार, गदाकार और चक्राकार प्रकार की पाई जाती हैं। माउथ पार्ट्स इस प्रकार के मुखांगों में अविकसित होते हैं। सूंड के रूप में हेड के नीचे तल पर लगे रहते हैं। ठीक है, चोंच के रूप में इनमें जो है विंग पंख संयोजी उपकरण फ्रेनुलम और जुगम पाए जाते हैं। टार्सस पांच खंडीय, उदर इनका 10 खंडों में विभाजित रहता है और इनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। ठीक है, इस आर्डर का क्लासिफिकेशन कई प्रकार से किया गया है। पहला है मॉथ एंड बटरफ्लाई के आधार पर टू सब आर्डर है। रोफेलोसिरा, इसमें बटरफ्लाई आती है, और हिटरोसिरा मॉथ आते हैं। कीटों छोटे और बड़े कीटों के आधार पर इसके भी दो सब आर्डर हैं। पहला है माइक्रो लेपिडोप्टेरा, इसमें बड़े कीट आते हैं। माइक्रो लेपिडोप्टेरा में छोटे कीट आते हैं। तीसरा क्लासिफिकेशन है ये पंख संयोजी उपकरण विंग कपलिंग ऑपरेटर्स के आधार पर किया गया है। जुगेटी और फ्रेनेटी अर्थात जिनमें जुगम होता है फ्रेनुलम होता है। ठीक है, फिर एडी वैज्ञानिक है एडी एम्स जिनको फादर ऑफ एंटोमोलॉजी कहा जाता है। सन 1961 में जो है इस आर्डर को तीन सब आर्डर में विभाजित किया था। सब आर्डर युगलोप्टेरा, दूसरा है मोनोट्राइसिया, तीसरा है डाइट्रिसिया। ठीक है, दो क्रमशः आर्डर वन सब आर्डर वन सब आर्डर टू यानी युगलोप्टेरा सब आर्डर मोनोट्राइसिया। इसमें एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फैमिली नहीं है, सिर्फ जो है सब आर्डर डाइट्रिसिया में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैमिलियां हैं। पहली फैमिली है एक्रीडिडेई। ठीक है, एक्रीडिडेई में जो है तीन इंसेक्ट आते हैं, काटन स्पॉट बालवर्म जो है ये कपास में लगता है, दूसरा है रेड हेयर कैटरपिलर, तीसरा है सनहम्प कैटरपिलर। ठीक है, दूसरी फैमिली है बॉम्बे सीएडेई। ठीक है, ये सिल्क मॉथ में लगता है जिससे रेशम बनता है, बॉम्बेक्स मोरी। तीसरी फैमिली है जिलीचिडेई। ठीक है, इसमें कॉटन बालवर्म और पोटैटो ट्यूबर मॉथ और ग्रीन मॉथ लगता है। ठीक है, अगली फैमिली है नॉक्टिडेई। ठीक है, नॉक्टिडेई इसलिए इसका नामकरण है क्योंकि इसके दोनों कीट जो है ये
रात्रिचर होते हैं, ठीक है। इसमें दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीट हैं, ग्राम कटवर्म और ग्राम कैटरपिलर या ग्राम पॉट बोरर, ठीक है। ये चने में दोनों लगते हैं। अगली है पेपेलियो निडेई, इसमें साइट्रस बटरफ्लाई, नींबू की तितली, ठीक है। अगला है पायरी डेई, ये व्हाइट बटरफ्लाई सफ़ेद मक्खी है, ठीक है। अगला है पायरे लिडेई, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें जितने बोरर हैं, शुगर केन स्टेम बोरर, शुगर केन टॉप बोरर, शुगर केन रूट बोरर, ज्वार एंड मेज स्टेम बोरर और कॉटन लीफ रोलर, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो है सैचुर निडेई, ये जो है इस फैमिली के अंतर्गत जो जिसमें रेशम कीट बनता है, रेशम बनता है, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं, बनकर।